सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय और मैं निकल गया हूँ अपने खेत के लिए। तो फ्रेंड्स, आप आज काफ़ी समय के बाद खेत जाने का मौका मिला है। वैसे तो खेत जाने का मौका मिलता नहीं है, तो आज मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो चलिए फिर ले जाते हैं खेत की ओर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो काफ़ी मिलता नहीं है जाने के लिए खेत वगैरह, क्योंकि हम लोगों का खेत तो मम्मी पापा लोग संभाल लेते हैं, है ना। तो वैसे हम लोगों को खेत जाना पड़ता नहीं है, तो समय भी नहीं मिलता खेत जाने के लिए, है ना। तो आज मौका मिला है खेत जाने का और घूमने का, तो चलिए फिर चलते हैं आप लोगों के साथ में और आपको भी दिखाते हैं हमारे खेत में क्या क्या लगा है और क्या क्या खेती करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फसल करते हैं तो खेती ही करते हैं ना। गन्ने हो गया, धान हो गया, चने हो गए, तिंवरा हो गया, उड़द हो गया, राहल हो गया, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा खेती करते हैं। तो उन्हीं में से एक ये हम लोग भी लगा गन्ना भी लगाते हैं, है ना। तो ले जाते हैं फिर आपको गन्ना दिखाते हैं और फिर गन्ने का उसका काट छांट भी करते हैं पूरा। देखो यहाँ से वहाँ से वहाँ तक पूरा लगा है, देखो ना, पूरा गन्ने का खेती है। ये तो गीला है फ्रेंड्स, गन्ना गीला है, गन्ने खेत में गीला है। सो फ्रेंड्स, ये ना गीला है क्योंकि अभी इसको पानी डाला है इसमें, तो गीला है ये, तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो मैं आपको जो रास्ता बना है ना, ये वाला रास्ता से ले जाता हूँ फिर, है ना। तो अभी पलाई भी किया होगा और ना पानी भी गिरा है, तो देखो ना ये काफ़ी नमी हो गया है, है ना। ये देखो पूरा गीला हो गया पूरा, देख कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा चारों तरफ पूरा गन्ना ही गन्ना है, है ना। इधर से इधर तक पूरा देखोगे तो गन्ना ही गन्ना है, ये देख लीजिए। और सामने मेन रोड है, तो अभी हम जा रहे हैं इधर से। तो हमें तो अपना काम की वजह से हमें कभी आना ही नहीं पड़ता है, है ना, आने का मौका ही नहीं मिलता खेत जाने का और खेत को समझने के लिए, तो मौका ही नहीं मिलता फ्रेंड्स। अगर आप में से अगर कोई भी खेती करते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताना कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है खेती करना, बहुत हार्ड वर्क होता है, सारा दिन लगे रहो खेत में तब जाके एक किसान कड़ी मेहनत करके कुछ फल पाता है, कुछ रुपया पाता है जो अपनी घर परिवारों के लिए काफ़ी घर चलाना भी पड़ता है, है ना। तो अभी हम इधर से जाएंगे ना, तो सामने धूप है क्योंकि शाम का समय हो गया है, है ना। तो धूप ढलने को जा रहा है, सनसेट ढलने को हो रहा है, तो सामने से धूप पड़ रहा होगा, है ना। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा भरा मस्त। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छी जगह है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा अच्छा जगह है, है ना। घूमोगे फिरोगे तो पता चलता है। अब मैं अपना घर से अपना फिर वहाँ अपना काम घर काम करके निकलोगे तो कभी पता ही नहीं चलता कि छत्तीसगढ़ कितना बड़ा है, छत्तीसगढ़ की पर्यटन कितना बड़ा है, है ना, छत्तीसगढ़ की खेती कितनी बड़ी है। तो सो फ्रेंड्स, हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खेती सबसे ज़्यादा करता है छत्तीसगढ़ में, तो हम तो हमें मौका ही नहीं मिलता आने जाने का, है ना, खेत में आने जाने का। तो हमको पहचान भी नहीं पड़ता कि क्या कौन सा सही है कौन सी गलत है, है ना, क्योंकि कार छांट करते हैं। जैसे गन्ना लगाओगे, है ना, तो एक बार जोताई करना पड़ता है, फिर उसको काट छांट करना पड़ता है, उसका बहुत सारा प्रोसीजर होता है, उसका प्रोसेस होता है उसका, तब जाके वो बड़ा होता है। फिर उसके बाद कटाई करते हैं, उसके बाद छटाई करने के बाद फिर उसको बिंडल बनाते हैं। बिंडल बनाने के बाद फिर उसको ट्रैक्टर में डाला जाता है, फिर वहाँ से कारखाना के लिए ले जाते हैं, यानी बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है सबसे हार्ड वर्क अगर कहा जाए
तो सबसे पहले खेती ही सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क होता है जो किसान करते हैं, हमारे किसान भाई करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है भाई लोग, कड़ी धूप हो या छांव हो या बारिश हो, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ को इसलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे छत्तीसगढ़ में धान की कमी ही नहीं है। अगर पूरे भारत में अकाल पड़ जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ 1 साल तक सबको खाना खिला सकता है, इतना पावर है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसलिए कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा, है ना। तो काफ़ी चीज़ है छत्तीसगढ़ में, तो भी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गए हूँ अपने खेती में, तो देख लीजिए ये है हमारा सारा खेती, यहाँ वहाँ से वहाँ तक है पूरा, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो देख लीजिए, है ना, तो ये कितना बड़ा है ना, मस्त, कितना अच्छा है ये, देखो कितना मस्त बड़ा बड़ा है। तो ये काफ़ी साफ किया है मम्मी लोग, है ना, तब जाके इतना साफ हुआ है ना। और देख लीजिए फिर भी यहाँ भी कुछ कुछ घास हैं जो ये घास को निकालना पड़ता है, यानी कि मुझे उतना पता नहीं है, बाकी वो निकालना पड़ता है ना। तब क्या क्या है फिर ये ना, ये अगर रहता है तो ये रहता है ना, ये रहता है तो इसको क्या है ऊपर, इसका इसमें इसका सेहत में कुछ असर पड़ता होगा इसकी वजह से, जिसकी इसका जाड़ रहता है, जड़ी रहता है ना, इसको इकट्ठा कर इसको चारों तरफ से घेर लेता है, तो इसको चारों तरफ से ना घेर लेता है, इसलिए इसको ना छटाई करना पड़ता है, इसलिए ना इसको छटाई करना पड़ता है। तो तब जाके अच्छे से इसको ना अच्छे से तब जाके ये ना आगे बढ़ते हैं और बढ़ पाते हैं, वरना ये ना नहीं बढ़ते, फिर आगे बढ़ता ही नहीं है, है ना। और यार आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं है यार, वीडियो को देखा करो, कम से कम देखा करो, अपने भाई को सपोर्ट किया करो, है ना यार। आप लोगों की भरोसा तो हम लोग बनाते हैं यार, है ना, आप अपने छोटे भाई समझ कर हमें सपोर्ट किया करो यार, एक लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो आप। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप कमेंट कीजिए, आपके दिल में जो आए, आपके दिल में जो बोलना चाहो आप वो बोल सकते हैं मुझे, है ना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी शब्द आप दिमाग में आ रहा हो, आपके दिल कह रहा हो कि इसको बोलने के लिए, मेरे को बोलने के लिए, तो आप बोल सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा भी। तो ये है हम लोगों की खेती, अभी पूरा गन्ना लगा है ना, चारों तरफ पूरा गन्ना ही गन्ना है, यहाँ से पूरा देखोगे तो पूरा गन्ना ही गन्ना है ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद खेती में आया हूँ तो, है ना, और फिर मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप जुड़े रहोगे, पर्यावरण से जुड़ोगे तो अच्छा लगता है, जुड़े रहोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा रहता है घूमने फिरने का, जैसे कि तो बड़े बड़े शहर में होता है, पार्क होता है, गार्डन होता है ना, तो उससे अच्छा हम लोग पैसा वेस्ट ना करके अपने खेत में ही घूम लिया जाए, है ना, तो अपना खेत में ही घूम लिया जाए, देख लीजिए पूरा, है ना, तो उससे अच्छा खेत में घूम लेना चाहिए, है ना, तो काफ़ी पैसा भी बचत हो जाएगा, है ना, तो पैसा भी बचत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी इसमें ना लग रहा है, शूज में लग रहा है ये, और फ्रेंड्स ये वाला पौधा बताना आप ये क्या है, इसमें बहुत सारा कांटे भी लगा है, देख लीजिए आप ये बताना ये कौन सी पौधा है ना, ये कौन सी पौधा है बताना आप बताना, आपको पता होगा, जिस किसी को भी पता होगा हमें इसमें हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। और फ्रेंड्स काफी गीला है यार, दिख मेरा शूज गंदा हो गया, देखो ना ये कितना सारा कीचड़ पकड़ लिया है ये देख लीजिए। तो
काफ़ी कीचड़ पकड़ लिया है और यहाँ पे देख पानी पूरा पानी भरा है। अभी इसको पलाई किए हैं बोर से तो पूरा भी पानी पानी भर गए है ना। तो आप सब कैसे हैं और मुझे कमेंट करना अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो ये मेरा वीडियो, मैं आप लोगों को अपने साथ अपना पूरा खेत घुमाया हूँ। तो हमें बताना कमेंट करके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।